शुरुआत है ना पूजा से ही होती है बस पूजा होने से पहले मन्नत का काम करती हूँ मैं वो पूजा से पहले कर देती हूँ नहीं तो वो बिटिया लेट हो जाती है और उसके बाद होती है पूजा सब भगवान जी को मैंने गंगा जल के छीटे लगा के और धूप दीप करके मैं अपने कर लेती हूँ पूजा इस टाइम तक मन्नत चली जाती है सुबह सेवन ओ क्लॉक उसके बाद मैं नहा के और पहला काम होता है मेरी पूजा करना और पूजा करके ही बाद में मैं और अपने घर के काम के लगती हूँ और जो ये मेरे हाथ हैं इनसे सबसे पहले मैं सोचती हूँ अपने हाथों से शुभ काम करूँ तो जी इसलिए है ना मैं पूजा करती हूँ ताकि पूरे दिन इन हाथों से जो भी काम होए जो भी चीज़ के लगे उसमें बरकत होए तो मैं सबसे पहले अपने भगवान जी को अपनी माता रानी को याद करती हूँ और माता रानी ने इतना साथ दिया है माता रानी मैं ये कह रही हूँ हर किसी को ऐसे ही साथ देना मेरी माता रानी और जी अब नंबर आया है इस रूम की आज ड्राइंग रूम की सफाई करने का और सबसे पहले मेरे कुछ रूल हैं मैं अपना पूरा सामान हटा लेती हूँ मेरे से वहीं मतलब होती नहीं है सफ़ाई अगर वहीं सफाई उठाया सामान और वही रख दिया तो मैं सब चीज़ों को हटा के उसके बाद में ही सफ़ाई करती हूँ और बाहर कई बार तो मैं बाहर भी निकाल देती हूँ सारा सामान बट अब के बार इतनी धूल मिट्टी थी नहीं इसमें क्योंकि ठंडी का मौसम था ना गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा होती है ठंडी के मौसम में इतनी थी नहीं तो बस और अभी उड़ेगी भी नहीं इतनी धूल मिट्टी तो सबसे पहले अपने पर्दों की साइड से लगी हूँ ये वाला मेरा जो रैक था ये स्यू रैक था ये मैंने जो मेरे घर की एंट्री है उसके साथ में रखा हुआ है इसको और उसके बाद मैं अपने खिड़की दरवाज़े साफ़ कर रही हूँ और इनको तो एक बार तो वैसे वैसे ही झाड़ू से करके और फिर करूँगी मैं हाथ से इनको कपड़े से साफ़ और अब की बार मैं बता रही हूँ ना इतनी गंदी नहीं है टैलें अगर टैल गंदी होती है तो मैं मोप से साफ़ कर लेती हूँ बट अब की बार मैं मेरे पास जो ये लंबी झाड़ू है मैं इसी से कर ली मैंने जो डस्ट लगी हुई थी उसके बाद नंबर आया वॉल पे जितने भी जो लगी हुई थी फोटो लगी हुई थी ये वाले फोटो जैसे कि हमारे ही हमारी है और एक एंट्री के तो बिल्कुल सामने मिरर लगा हुआ है दो लगे हुए हैं मिरर एक तो ये वुडन में है ये लिया था मैंने बुढ़े बंजारा मार्केट से और जो ये वाले छोटे छोटे मिरर हैं ये छोटे छोटे मिरर हैं बल्कि इसको मैंने इस डिजाइन में लगा रखे और ये मैंने मंगवाए थे पता नहीं मैंने मीशो से मंगवाए थे या फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे बट मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे उसके बाद में नंबर आया है जो मैंने ये स्यूरैक लिया था और हाँ आप लोगों को एक बात और बतानी है जो ये मेरा स्यूरैक है देखने में ये बहुत अच्छा है और मैंने लिया था ये रिलायंस से रिलायंस से ये मुझे पड़ा था आठ हज़ार रुपये का शायद हाँ आठ का पड़ा था या साढ़े आठ का ऐसा ही पड़ा था देखने में ये बहुत अच्छा है मैं ये नहीं कह रही आप देखने में अच्छा नहीं है ये तो आप लोगों को भी देख रहा है बट ये यूज करने में बिल्कुल जीरो है मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें मेरे पैसे ही वेस्ट हुए हैं मनी वेस्ट है इसमें तो और एक साइड से तो ये थोड़ा सा टूट भी गया वो जो गत्ता होता है ना वो वैसा लग रहा है कि गत्ते का ऊपर कुछ मतलब पलाई टाइप की कुछ लगा रखी है तो वो साफ़ करके उसके बाद में वो लगा दिया था अपने साइड में फिर उसके बाद टेबल वेबल सोफ़े पे साफ करे हैं कवर बिछाया है जो जितने प्लांटर थे उनको मैं वॉश कर दिए थे पहले ही सबसे पहले वो हटा के और उन्हीं को वॉश किया था जब तक पूरे रूम की मैंने सफाई करी है जब तक वो सूख गए हैं उनको सूखने के लिए मैंने रख दिया था बाहर धूप में तो अब की बार तो देखिए और ये जो मेरे पास ब्रश है ना ये बोतल साफ़ करने का ब्रश है और इससे जो ये होते हैं जैसे कि ये हॉर्स वाला है और ये लफिंग बुद्धा है तो इनमें छोटे छोटे वो होते हैं ना तो उसमें धूल मिट्टी घुस जाती है बारीक वाले जैसे कट होते हैं इसमें तो मैं इससे निकाल लेती हूँ तो इससे है ना पूरे एकदम साफ़ हो जाता है उसके अंदर तक की गंदगी निकल जाती है और हाँ इससे है ना बोतल भी बहुत ज़्यादा साफ़ होती है मैं इसी से बोतल साफ़ करती हूँ अपनी और जो ये वाले पोर्ट हैं ये भी मैंने गुड़गांव बंजारा मार्केट से लिए थे ये अभी के नहीं हैं ये बहुत पुराने हैं और वहाँ पे है ना बंजारा मार्केट में बहुत अच्छा सामान मिलता है बहुत वैसे थोड़ा प्राइस का तो वो करवाना हाई बोलते बट लगवाना पड़ता है रेट तो और ये भी मैंने वही बंजारा मार्केट से ही लिया था पोर्ट मैं गई थी तब तो मैंने बहुत सारा सामान ले आई थी बंजारा मार्केट से पोर्ट तो बहुत सारे लेके आई थी मैं अब तो मेरे पास कई तो टूट गए शायद दो टूट गए मेरे पास बट कोई बात नहीं अभी कम ही बचे हैं और थोड़ा मौसम सही होएगा तो फिर जाऊंगी तब लेके आऊंगी और अब इस रूम को आ गया है डेकोर करने का नंबर तो टेबल के ऊपर जो ये वाला है इसके ऊपर जो मैंने बिछाया है ये वाला है मेरा टेबल का ही डिनर टेबल होता है ना डाइनिंग टेबल का जो बीच में बिछता है वो कवर है और ये मैंने इसके ऊपर बिछा दिया था एक तो ये इसके ऊपर बिछा देती हूँ ना तो इसके ऊपर स्क्रेच नहीं आते जो मैंने ये पोर्ट वोट रखे हैं होर से रखा है दो पोर्ट रखे हैं होर्स रखा है खाली ऐसा ही रखा है सिंपल साथ में मैंने एक लगा दिया इसके लैम्प और ये लैंप भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ऑनलाइन और बट इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है वैसे बहुत अच्छा क्वालिटी भी अच्छी है और जैसा मैंने डिज़ाइन देखा था सेम वैसा ही है बट पर एक बात पता नहीं क्यों जो इसके अंदर लाइट है ना ये देखो कैसे झिमझिम कर रही है ये जैसे हिल जाती है इसको करती हूँ बार बार ठीक ये फिर हिल जाती है फिर हिल जाती है बस इसमें एक यही प्रॉब्लम है बाकी ये बहुत अच्छा है और ये मैंने मंगवाया था दीपावली पे उसके बाद में नंबर आया है ये मेरे इस प्लांट का और ये प्लांट भी मेरे पास बहुत टाइम से है ये बिल्कुल इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और जो ये वाला पोर्ट है ये लिया था मैंने होम सेंटर से इसको भी बहुत टाइम हो गए आप लोग मेरे वीडियो पहले वीडियो में भी देखा होगा तो बहुत दिन से है इसका कलर सेम ऐसा कैसा है ये है मेटल का बहुत सुंदर है आज तक इसकी साइनिंग सेम वैसे की वैसे ही है और अब जो ये थ्रो है ये भी मैंने बंजारा मार्केट से ही लिए थे और ये सारा समान मेरा बहुत पहले का है देखो चीज़ है ना एक, एक एक करके ही जुड़ती है चीज़ पहले मेरे पास भी सामान नहीं था हम ये सोचे कि एक ही दिन में हम सारा सामान खरीद लें तो इतना हमारे पास बजट नहीं होता और फिर वो बजट अगर हम खरीद भी लें तो फिर वो हमारा बजट डगमगा जाता है तो देखो और चीज़ें इसी महंगाई में इतनी महंगवाई में चीज़ों को देख के ही चलना चाहिए मैं तो यही कहूँगी अपने बजट के हिसाब से ही खरीदना चाहिए तो मैं हर त्यौहार पे ऐसे ही करती हूँ धीरे 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 कुछ अपना थोड़ा बहुत सामान खरीदना वही ख़रीद लेती हूँ और हाँ अब मैंने इनके क्यूशन कवर बनाने हैं और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कपड़ा ले कर आऊँगी एक बार जो मैंने बनाए थे पहले बनाए थे तो मैंने शेयर भी करा हुआ था बट वो क्या है सिक्वेंस के काम है जोलझट के ऊपर और उसमें मिरर से एक लगे हुए हैं और वो बने थे चार ही बने थे और ये इसके ऊपर है ये पांच सोफे एक क्यूसन एक पे तीन एक पे दो तो इस वजह से मैं इसमें लगा नहीं रही तो और कपड़ा लेके आऊंगी और अब मैं सोच रही हूँ गर्मी के हिसाब से ही कपड़ा लेके आऊँ और फिर बनाऊँगी तब दिखाऊंगी कभी और उसके बाद में सबसे लास्ट में नंबर आया है ये दरी बिछाने का और यहाँ मैंने छोटी ही दरी बिछाई है अगर बड़ी बिछाऊंगी ना तो गेट में वो आएगी और गेट में आएगी हम आते जाते रहेंगे क्योंकि मेरी इंट्री वहीं रह गई यहीं से हम अंदर जाते हैं तो दरी के ऊपर पैर लग के जाएंगे और दरी भी है ना वाइट और ग्रे है इसके इस रूम के हिसाब से ग्रे कलर ज़्यादा जा रहा था तो इस वजह से मैंने वाइट और ग्रे का ही इस पूरे रूम में कॉम्बिनेसन रखा है तो उसके बाद तो मैंने जी इस तरीके से मेरा ये पूरा रूम हो गया डेकोर सफाई हो गई है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया तो जी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ओके फ्रेंड थैंक यू एंड बाय बाय और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें